break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head. घर गृहस्थी चलाते समय हमसे काफ़ी सारी गलतियां हो भी जाती हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके हमें आसान से सॉल्यूशन मिल जाएं तो हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हम लोग बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही बहुत ही आसान सी टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोग फॉलो करके अपने घर को बहुत ही आराम से मैनेज कर पाएंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनिया, मैं बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियोस जो सब आपके घर से और आप लोगों से जुड़ी हैं। आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप लोग मुझे ज़रूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस फैमिली को ज्वाइन नहीं करा है तो रेड बटन को क्लिक करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में लगी घंटी है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि फर्दर जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ और आप लोग उन्हें देख पाएँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। जब अचानक हमारे घर पे कभी गेस्ट का आना हो जाता है या फिर बच्चे ही कई बार डिमांड रख देते हैं उन्हें कुछ मीठा खाना है, तो आज आप लोगों के साथ मैं सिर्फ 10 मिनट में बनने वाले कलाकंद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप लोग सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बना पाएंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय भी नहीं जाने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और टेस्टी इतने बनने वाले हैं कि बच्चे तो आप लोगों के फ़ैन ही हो जाएंगे, बड़ों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए जल्दी से इसकी जो रेसिपी है वो हम लोग देख लेते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 400 ग्राम अमूल का मलाई पनीर। यहाँ पे आप लोग नॉर्मल पनीर है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्सी जार में पल्स मोड पे चलाइएगा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद एक कढ़ाई के अंदर 2 बड़े चम्मच है घी के डालिएगा, उसके बाद ये पनीर है इसे डाल दीजिएगा। सिर्फ हमें यहाँ पे 5 मिनट इसे चलाना है। 5 मिनट के बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करने वाले हैं मिल्कमेड। 400 ग्राम पनीर के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप मिल्कमेड है उसे ऐड कर दिया था। थोड़ी देर से चलाने के बाद आप लोग देखेंगे कि ये इस तरीके से पैन को पूरा छोड़ने लग जाएगा, इसका मतलब है ये बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भी कट कर लेंगे। प्लेट है उसके ऊपर मैंने ग्रीस कर दिया है घी। ये जो हमारा कलाकंद था ये हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करने वाले हैं, दबा दबा के अच्छे से हम लोग इसे सेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स हैं वो लगा देंगे। मैंने इन्हें अच्छे से दबा दिया है ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाएं। बस 10 या 15 मिनट के बाद आप लोग इनके अंदर ये जो शेप्स हैं इन्हें कट कर लीजिएगा। 1 घंटे बाद ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा और आप लोग इसे टेस्ट करके देखिएगा, बच्चे बार बार आप लोगों से इसकी डिमांड करने वाले हैं। घर पे जब हमें टाइम पास करना होता है तो सबसे ज़्यादा हम लोग टीवी देखना ही पसंद करते हैं। बच्चे हो या फिर बड़े हो, टीवी का रिमोट अगर गुम हो गया तो इतने परेशान हो जाते हैं कि उसके चक्कर में पूरा घर जो है हम लोग ढूंढने लग जाते हैं। या तो हम लोग एक बास्केट है उसको यूज़ कर सकते हैं घर के सारे रिमोट्स वगैरह को रखने के लिए, पर अगर आप लोग बास्केट को यूज़ नहीं करना चाहते हैं या फिर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अमेजिंग DIY शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोग बहुत ही आसानी से बना लेंगे। घर के जितने भी रिमोट्स हैं ना उन्हें आप लोग बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज भी रख पाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिएंगे 2 कुशन कवर। यहाँ पे मैं बालकनी में बैठी हूँ, आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था तो सोचा ये काम बाहर ही बैठ के करा जाए। मेरे ये जो कुशन कवर हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और अब मैं इन्हें इतना अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मुझे ये परफेक्ट लगे इस DIY के लिए। मुझे इन्हें कहीं से भी कट नहीं करना था इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कैंची का यूज़ नहीं करा है। आप लोगों को एक कुशन कवर के ऊपर फोल्ड करके दूसरे कुशन कवर को कुछ इस तरीके से रख देना है। साइड से हम लोग इसे स्टिच करने वाले हैं, अगर आप लोग मशीन से ये काम करेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे हाथों से ही सिलाई करी थी। पीछे यहाँ पे जिप लगी है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसे आप लोग ना सील दें, तो ये सिलाई आप लोगों को अंदर की तरफ से करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग 3 बड़े पॉकेट्स हैं वो बनाने वाले हैं। साइड से और नीचे से पूरा मैंने इसे हाथ से सिल दिया था।
अब देखिए ये हमारा जो कुशन कवर है ये बिल्कुल मैचिंग हो चुका है, कहीं से भी नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर तीन पॉकेट्स भी हम लोगों ने सील ली हैं। और जो हमारे घर के रिमोट्स थे ना, वो इससे पहले इतने तो ऑर्गेनाइज नहीं लगते थे और ना ही देखने में इतने सुंदर भी लगते थे। अब आप लोग आराम से अपने काउच पे बैठिए, रिमोट्स भी आप लोगों के पास रहेंगे, रखना भी आसान है, देखने में भी अच्छे हैं। आपके लिविंग रूम को ये बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब देने वाला है, सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। बहुत टाइम से मैं मैट फिनिश की लिपस्टिक है उन्हें लेना चाह रही थी, पर क्योंकि वो लिप्स को काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर देती हैं और उसके बाद उन्हें लगा के रखना पूरा दिन कंफर्टेबल फील नहीं कराता है, तो मैं लेने से काफ़ी ज़्यादा बच रही थी। पर अब मैंने ट्राई करी है ममाद की सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, एवरीडे मेकअप नेचुरली के लिए मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है मेरे लिप्स के ड्राई होने की, बल्कि इससे जो मेरे लिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं और इसके साथ ही पूरा दिन कंफर्टेबल भी फील करती हूँ। यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं 8 AM टू 8 PM का लिपस्टिक चैलेंज भी, 12 घंटे तक ये आप लोगों को कंफर्टेबल भी फील कराएगी। टचअप करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ने वाली है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, इसके साथ ही मेड सेफ सर्टिफाइड है, टॉक्सिन फ्री है। इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है जोजोबा ऑयल जो कि स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है आपके लिप्स को। इसके साथ ही विटामिन ई है जो कि मॉइस्चराइज करता है। सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे सिर्फ 399 रुपीज में आप लोगों को अवेलेबल है, आप लोग इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 9 शेड्स मिल जाते हैं जो कि सूट करते हैं इंडियन स्किन टोन को। मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ शेड्स हैं वो लगा के दिखाए हैं। आप लोग मेरा कूपन कोड Mystic2023 को यूज करके ममाद की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे 20% का ऑफ भी ले सकते हैं। ममाअर्थ के अब सभी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आप लोगों को ऑफलाइन स्टोर्स पे भी, और ऑनलाइन मिल जाते हैं आप लोगों को अमेजोन, फ्लिपकार्ट और नाइका पे। इन सारे प्रोडक्ट्स का बाइंग लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोगों से जरूर चेकआउट कीजिएगा। हमारे जिस तरीके के सोफे हैं उसको लेके आप लोगों ने काफ़ी बार क्वेश्चंस भी किया था, ये आप लोगों ने कैसे बनवाया है, कहाँ से बनवाया है, वो मैं आप लोगों के साथ कभी किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। पर अगर आप लोगों के पास भी इसी तरीके के कुछ सोफे हैं जहाँ पे आप लोगों ने जो ऊपर का बैकरेस्ट है वो अलग लगाया होगा, नीचे का जो सिटिंग पोर्शन होता है वो अलग लगाए होंगे, तो वहाँ पे जरूर से आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस करा होगा, क्योंकि जो पीछे के हमारे बैकरेस्ट होते हैं तीन, वो जुड़े हुए नहीं रहते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आप लोग देखेंगे जब भी आप लोग उस पे बैठते होंगे तो वो बार बार नीचे गिर जाता है, या फिर जो अपनी जगह है उसको मेंटेन नहीं कर पाता है, इधर उधर हिलता रहता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मैंने बहुत ही छोटा सा जुगाड़ लगाया है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक बैकरेस्ट है उसे ले लीजिएगा, एक आप लोगों को इलास्टिक बैंड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लगभग आप लोग यहाँ पे 12 से 13 सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्टिच कर देना है एक तरफ से इलास्टिक बैंड को, पीछे जो आप लोगों को डिज़ाइन मिली है जैसा कि मैं कर रही हूँ वीडियो में, बस उसी तरीके से आपको लेकर आना है और दूसरी तरफ भी आप लोगों को इसे सिलाई कर देनी है। यहाँ पे आप लोग किसी भी तरीके का फैब्रिक ग्लू वगैरह है ये मत लगाइएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा, पर अगर आप लोग यहाँ पे सिलाई कर देते हैं तो फिर आप लोग देखेंगे कि जो हमारे तीनों बैकरेस्ट थे ये कितनी आसानी से लग चुके हैं, चाहे आप लोग इन्हें अब कितना भी हिला लीजिए ये अपनी जगह से नहीं मूव करने वाले हैं। सेम आइडिया आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोगों के घर पे कोई चेयर है उसका जो कुशन है वो बार बार खिसक रहा है, क्योंकि प्लास्टिक की जो चेयर होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी रहती हैं, सेम आइडिया आप लोग वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। TN सॉसर का जो हमारे पास सेट होता है, जब हम लोग उसे रखते हैं अपने किचन में जहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है, तो उसे रखने के अंदर ना हमें समझ नहीं आता है, हम लोग फटाफट से उसके लिए ना कोई ऑर्गेनाइज़र जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। आज आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी जो ट्रिक है वो शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से जितने भी सॉसर हैं वो भी बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, जो उसके साथ हमारे पास 4 कप का सेट होता है वो भी उसी के अंदर आ जाएगा, बहुत ही कम जगह भी लेने वाला है, आप लोगों के किचन के अंदर देखने में सुंदर लगेगा, जो भी आएगा आपके किचन में ज़रूर पूछेगा इसे आप लोगों ने कैसे अरेंज करा था। जो भी हमारे कप्स होते हैं उन्हें अगर हम लोग इस तरीके से रखेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा कम जगह लेने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, एक कप का जो हैंडल है उसे दूसरे कप के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है,
देखिए ये रखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी लगेंगे और ये करने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैंने तो अपने घर के जितने भी टी शर्ट्स थे ना उनको अब इसी तरीके से रख लिया है। ये हैक मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी हम लोग कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो हमारा काम होता है बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चले जाना, चाहे वो मेकअप की हो, चाहे हमारे पास एक्सेसरीज हो, बाल को बनाना हो। भले ही हमें वहाँ पे टाइम मिले या ना मिले, हम लोग इन चीज़ों को ज़रूर अपने साथ लेके जाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी अपने साथ ना हमेशा अपने हेयर स्ट्रेटनर को लेके जाना प्रेफर करती हूँ। पर उसे मैं कितने स्मार्टली अपने बैग में लेके जा सकती हूँ जिसकी वजह से उसकी जो कॉर्ड है वो बाकी किसी चीज़ को परेशान ना करे बैग में, और निकालते और रखते समय मुझे भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप लोगों को यहाँ पे बस एक पुरानी जो सॉक्स है उसको यूज़ करना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो सॉक्स है उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी हमें यहाँ पे ज़्यादा चाहिए, ताकि उसके अंदर हमारा जो हेयर स्ट्रेटनर है कॉर्ड के साथ बहुत ही आसानी से आ जाए। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये आप लोगों के ट्रैवलिंग बैग के अंदर बहुत ही आसानी से आ भी जाएगा, किसी चीज़ को परेशान नहीं करने वाला है, टाइम पे मिल भी जाएगा, रखना भी आसान है, लेके जाना भी आसान हो जाएगा। अक्सर हमारे घर पे बहुत सारे टिश्यू पेपर रोल का जो कार्डबोर्ड होता है वो बच जाता है, जिसको लेके मैंने आप लोगों के साथ कई बार कई DIY आइडिया शेयर भी करे हैं। इस आइडिया को मैं पर्सनली यूज करती आ रही हूँ, मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हमारे पास जो हेयर ड्रायर होते हैं उनकी जो कॉर्ड्स होती हैं उन्हें आप लोग एक जगह रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हेयर ड्रायर को मैं मोस्टली यूज़ भी नहीं करती हूँ, कुछ ही बार वो मेरे यूज़ में आता है, तो उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सेम आइडिया आप लोग प्रेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो भी कॉर्ड्स हैं उसे भी आप लोग इसके अंदर बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बच्चों के स्टेशनरी आइटम्स को आप लोग इन कार्डबोर्ड रोल को यूज़ करके कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो कर्टन्स होते हैं हमारे घर पे वो हम लोग काफ़ी साल तक चलें इस तरीके से स्टिच करवाते हैं, या फिर उन्हें खरीदते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के लेते हैं कि वो काफ़ी साल तक हमारे साथ रह पाएँ। पर मैंने एक कर्टेन है जो कि आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा होगा, इसे परचेज करा था सरोजनी नगर से, दिल्ली से, और इसकी जो रिंग्स है ना वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं निकली। इन पर्दों की सारी रिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा जंग है, वो लग चुकी है। तो अगर आप लोगों के घर पे भी कुछ ऐसे पर्दे हैं जिनकी जो रिंग्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जंग लग चुकी है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, पर्दों से आप लोगों को प्यार है, आप लोग उन्हें हटाना नहीं चाहते हैं अपने घर से मेरी तरह, तो आप लोग इस हैक को ट्राई कर सकते हैं और देखेंगे कि जो पर्दे हैं वो बिल्कुल नए हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलने वाला है कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या जुगाड़ अप्लाई करा था। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, दो कलर्स यूज़ करे हैं। आप लोग कलर्स के बारे में पूछते हैं तो सोचा आज आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँ। फेविक्रिल का यहाँ पे एक मीडियम आता है और एक गोल्डन डस्ट पाउडर आता है, इन दोनों को आप लोगों को अच्छे से मिक्स कर देना है। इसका जो शेड है ना वो बाकी सारे गोल्डन कलर को फेल कर देगा। यहाँ पे अब मैंने इन सारे रिंग्स के अंदर इसको अच्छे से लगा दिया है, आगे की तरफ भी लगाया, पीछे की तरफ भी अच्छे से लगा दिया था, और यहाँ पे आप लोग डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं। बच्चों के लिए अक्सर हम लोग कुकीज़ वगैरह परचेज़ करते हैं, बिस्किट परचेज़ करते हैं, उनके जो पैकेजिंग बॉक्स होते हैं वो कई बार हमें अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। बच्चों की या फिर आप लोगों की क्राफ्ट सप्लाई को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप लोग इस DIY आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के घर की जो चीज़ें हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र बाहर से ही खरीदे जाएं, घर पे ही आप लोग कुछ चीज़ों को यूज़ करके अपने घर की काफ़ी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दो पार्टीशन जो हैं वो चाहिए, इसलिए हम लोग इन्हें स्टिक करने वाले हैं फेविकॉल की हेल्प से। उसके बाद चाहे तो आप लोग यहाँ पे कलर कर सकते हैं, सिंपल न्यूज़पेपर लगा सकते हैं, कोई भी बच्चों की पुरानी क्राफ्ट शीट है उसे लगा सकते हैं, या फिर पुरानी क्लास का अगर आप लोगों के पास भी मटेरियल आ जाता है स्कूल से कि बच्चों ने तो यूज़ कर लिया, ये सारा सामान उनका बच गया है, तो आप लोग वहाँ से भी कुछ सप्लाईज़ को यूज़ कर सकते हैं।
थोड़ा सा बस इसे आप लोगों को डेकोरेट करना है। बहुत ही अच्छे दो पार्टीशन बन जाएंगे। चाहे तो आप लोग इसके अंदर अपनी क्राफ्ट की जितनी भी ब्रशेस वगैरह होती हैं पेंटिंग की, उन्हें रख सकते हैं। बच्चों की पेंसिल स्केच पेन इन्हें रख सकते हैं, पेन पेंसिल ये रख सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पेंसिल रबर शॉर्पनर जो भी आप लोग चाहें इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और आप लोग इसे किसी भी पुराने बॉक्स के अंदर फिक्स भी कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के साथ ये DIY ऑर्गेनाइजर बच्चों के लिए बनाया था जो कि शेयर करा था। इसके अंदर देखिए ये कितने परफेक्टली फिट आ चुका है। जब भी हम लोग अपने घर पे बेडशीट लगाते हैं फर्स्ट डे वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बेडरूम हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। पर उसके बाद सेकंड डे आप लोग देखेंगे वहाँ पे पिलोज़ के ऊपर चाहे बेडशीट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिंकल आ जाते हैं और आप लोगों को लगता है कि इसका लुक बिल्कुल ही कम हो चुका है। जो पहले दिन हम लोगों ने दिया था अपने बेडरूम को लुक, वो अब बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पूरी बेडशीट को निकाल के आयन भी नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को ले लेनी है बस एक छोटी सी स्प्रे बॉटल, उसके अंदर डालिएगा आप लोग पानी, पानी थोड़ा सा वहाँ पे ठंडा होना चाहिए। बस आप लोगों को उसे अपनी बेडशीट हो चाहे आप लोगों के पिलो कवर्स हो उस पर स्प्रे कर देना है। हाथ से ही जैसे आप लोग उसे प्रेस की तरह करेंगे ना, सारे के सारे जो रिंकल्स हैं वो गायब हो जाएंगे। इसे मैं पर्सनली यूज़ करती आई हूँ, इसीलिए सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी बात है पर डेली लाइफ में हम इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस करते हैं। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो की कौन से टिप आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई थी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी जो पर्सनल फेवरेट थी इन सारी टिप्स के अंदर वो थी मेरे जो पर्दे हैं उनकी, जो मैंने रिंग्स को चेंज करा है वो, और उसके साथ ही रिमोट ऑर्गेनाइज़र बनाना। तो मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो ने आप लोगों को थोड़ा भी कुछ नया सिखाया था होम मेकिंग को लेके, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगी घंटी को दबाइएगा आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक, टेक केयर एंड बाय बाय।